कितना सुकून है इन वादियों में, लहलहाते फूलों में, कल कल करते झरनों में, खो न जाऊं इन वादियों में। ये देखो ये अभी भी लाल हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे भस्मासुर का वध किया था। ये देखो आप, और जैसे मैंने इसको ये करा ना यहाँ पे, ये देखो पूरा यहाँ पे। तो ये सारे की सारी जो घाटी है ना, ये है भीम द्वार। तो कहा जाता है कि भीम जी ने यहाँ से जब स्वर्ग के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी ना, तो यहाँ से पत्थर फेंके थे वहाँ ऊपर के लिए। फाइनली अभी थे हम कुंशा वैली में, और ये बहुत ही खूबसूरत वैली आप देख रहे हो, रंग बिरंगे फूल खिले पड़े हैं पूरे। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स, व्हाट्स अप, इट्स मी शीतल राणा एंड वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो आज तीसरा दिन है हमारी श्रीखंड यात्रा का, और मैं पैक हूँ, अभी वापस निकलूंगा। तो रात को, जैसे पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैं रुका था भीम द्वारी में, और अभी वापस निकलेंगे, जाऊंगी। और ये अपने बिट्टू भाई अलविदा कह दो। ठीक है भाई, बाय बाय। ओके बिट्टू भाई, बाय बाय, थैंक यू। तो एक्चुअली में कल पता क्या हुआ कि जब हम वापस आए ना ऊपर दर्शन करके श्रीखंड महादेव जी के, तो तब तो कुछ पता नहीं लगा, बट सनबर्न और आइज़ में देख पा रहे हैं आप, आइज़ में भी धूप बहुत तेज़ लगी है। तो ये सारे की सारी जो घाटी है ना, ये है भीम द्वार। तो कहा जाता है कि भीम जी ने यहाँ से जब स्वर्ग के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी ना, तो यहाँ से पत्थर फेंके थे वहाँ ऊपर के लिए। तो जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया, जो जिन पे कुछ लिखा हुआ था ना, वो भीम जी ने फेंके थे। और यही है कि भीम द्वार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और ये घाटी ना बहुत ही खूबसूरत है, ये देखो आप। और यहाँ पर आपको सारे जो कैंप हैं ना, यहीं पे मिलते हैं। इसके बाद की यात्रा आपको यहीं से करनी पड़ती है, जो कि है अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर यहाँ से आगे। तो जब भी आप यहाँ पहुँचें तो यहाँ स्टे करें, क्योंकि बॉडी भी आपकी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, एक्लिमेटाइज हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऊपर नैन सरोवर में थोड़ा जो रहता है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी रहती है, तो उस चीज़ के लिए आपको यहीं स्टे करना चाहिए। तो ये थी सारे की सारी भीम द्वार, भीम घाटी भी बोल सकते हैं आप इसको, भीम घाटी। जब भी आप आए ना, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अपने साथ जो आई कूल रहती है वो ज़रूर कैरी करें, गॉगल्स लगा के रखें, और सनबर्न की जो क्रीम रहती है वो भी अपने साथ ज़रूर कैरी करें। तो फाइनली अभी था मैं जहाँ पे भस्मासुर के का जो वध किया था ना नारायण भगवान ने, उसके निशान भी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो ये देखो आप, ये चीज़, यहाँ का पानी और मिट्टी दोनों लाल हैं, ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये अभी भी लाल हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे भस्मासुर का वध किया था। ये देखो आप, और जैसे मैंने इसको ये करा ना यहाँ पे, ये देखो पूरा यहाँ पे, यहाँ पे ये निशान, भस्मासुर के वध के निशान अभी भी मौजूद हैं। ये देखो मेरा हाथ भी ना, तो मिट्टी में मैंने ये करा तो मेरा हाथ भी रेड रेड सा हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये भी भीम द्वार में ही है। भीम द्वार से जैसे ही थोड़ा आगे आओगे ना आप, तो वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा ये पॉइंट। और मेरी आँखों में मैंने गॉगल्स लगा रखे हैं भाई, फिर भी सूरज की रोशनी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, क्या बोलूँ मैं। उस दिन मैं एक घाटी ना आपको दिखा नहीं पाया था, क्योंकि हम कवर करने के चक्कर में निकल गए थे। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, जब आप कुंशा से भीम द्वारी आओगे ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे, मतलब भीम तलाई से भीम द्वारी आओगे, तो भीम तलाई के बाद आपको दो छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे मिलने वाले हैं। ये देखो, We'll be right back.
तो भीम द्वार से चलते चलते अभी वो सामने पीछे देख रहे हैं वो है कुंशा वैली, तो अभी दिखाऊंगा बहुत ही खूबसूरत सी एक फूलों की घाटी है कुंशा वैली भी। फाइनली अभी थे हम कुंशा वैली में और ये बहुत ही खूबसूरत वैली आप देख रहे हो, रंग बिरंगे फूल खिले पड़े हैं पूरे और काफ़ी थक गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बिल्कुल स्ट्रीप उतराई है, वो देखो वो नीचे गौरव और वहाँ से होके वहाँ 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 और वो है भीम तलाई और वो टॉप पे है काली टॉप। चलो फिर फाइनली रिटर्न में फिर से पहुंच चुके हैं हम भीम तलाई जो कि भीम जी ने बनाई थी पांडवों के पानी पीने के लिए। ये है भीम तलाई सारी की सारी। फाइनली मैं और गौरव पहुंच चुके थे अभी काली टॉप पर। जब आप वापस आते हो ना श्रीखंड से तो यही सबसे ऊंची चढ़ाई पड़ती है और जब जोर से शुरू करते हो तो थाचड़ू वाली जान निकाल के रखती है। हाँ जी जी गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है, फोर्थ डे है, बट एक्चुअल में कल मैंने काली घाटी के बाद ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं वो एक्चुअली अपने जो फर्स्ट डे वाली ट्रैकिंग में दिखा दिया था सारा ही आपको। और काली घाटी से नीचे हमें पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेट लगे हैं 6 घंटे के अराउंड, 6-7 घंटे के अराउंड। तो नीचे हम पहुँच गए थे 8:30 बजे के आसपास, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। खाना खाया, रूम में आए, भैया को फ़ोन कर दिया था ऑलरेडी हमने, यहीं पे शुरू में रुके थे। मैंने आपको फर्स्ट डे जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था उस दिन भी मैंने आपको सब ये दिखाया था। तो आपको कुछ जानना हो इस ट्रैक के रिगार्डिंग तो कल हम चले थे भीमद्वारी से काली घाटी पहुँचे वहाँ से, और काली घाटी में लंच करने के बाद नीचे आए जाऊँ में, और रात को स्टे हमने जाऊँ में ही करा था। तो बहुत ही टायर्ड ही रहा कल का दिन भी, बहुत थके और लगभग अप्रॉक्सीमेट कल भी हमने 12 से 13 घंटे कंटिन्यू ट्रैक करा, उसके बाद नीचे जाऊँ पहुँचे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जाऊँ से लेके वापस रामपुर तक और घर तक, क्योंकि ये वाला सारा रास्ता हम कवर नहीं कर पाए थे जब फर्स्ट डे, अगर आपने देखा होगा रात हो गई थी उस टाइम भी हमें, तो ये सारा जाऊँ गाँव और ये विलेज जो है जाऊँ निरमंड बाकी पुल, तो ये सारा एरिया बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, तो वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको कुछ जानना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। नाउ द शीतल राणा साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज विद योर हेलमेट ड्यूरिंग योर राइड। टाटा बाय बाय दोस्तों। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make